जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक तुमको सौ सौ बार है, हर बार है, बार बार है। गाइस लेट्स स्टार्ट अ वीडियो मेकिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें वीडियो की रेशियो को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे 9:16 वाली रेशियो को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब क्रिएट बोलेंगे इसको। इसके बाद हम यहाँ पे 7 पिक्चर्स को ऐड करेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पे 7 पिक्चर्स को ऐड कर लिया है। अब हम इसकी स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन को मैनेज करेंगे। तो हमें फोटोज़ पे क्लिक करके यहाँ पे पैन एंड जूम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से पूरे फ्रेम में सेट करूँगी। तो अब मैं सारे में ऐसे ही कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो ये हो चुका है। अब हम इसमें एनिमेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एनिमेशंस को ऐड करेंगे। तो अब हमें प्रेजेंटेशन पे जाना है और यहाँ पे विप पे जाके इसको कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे। अब हमने फिर से प्रेजेंटेशन पे जाके विप पे जाना है। फिर यहाँ पे हम राइट साइड पर क्लिक करेंगे। हमें ऐसे ही करते रहना है। विप और इसको अपर करेंगे और हम फिर से जाके प्रेजेंटेशन में डाउनर करेंगे। तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आप सारे फोटो में लगा लेना। ये हो चुका है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम बैक आ जाएंगे और फिर से हम बैक आ जाएंगे और फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके 9:16 वाली रेशियो को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट बोलेंगे। अब हम यहाँ पे हमारे टेम्पलेट वीडियो को ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ये वाला टेम्पलेट वीडियो डाउनलोड कर लिया है। मैं इस टेम्पलेट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर लेयर पे जाके मीडिया पे जाएंगे और हमने अभी जो एक्सपोर्ट की है वो वीडियो को लेंगे और इसको हम स्प्लिट स्क्रीन मतलब फुल स्क्रीन करेंगे और इसको हम ब्लेंड करके इसकी ओपेसिटी हमें कम कर देनी है, बहुत कम। तो फिर से हम लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे यही वाली वीडियो को फिर से लेंगे और इसको हम एडजस्ट करके इस बीच वाले फ्रेम में लगा देंगे। तो हम इसको ब्लेंड करके स्क्रीन करेंगे। सो गाइस ये हो चुका है। अब हमें इस बाकी दोनों फ्रेम में भी हमें सिर्फ फोटोज ऐड करनी है। मैं इसे अब रहने देती हूँ, आप कर लेना और मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगी अब और इसको सेव वीडियो करेंगे। ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।
सो गाइज़ ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगी। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।